तो हेलो वेलकम मैच वो फिर से सभी का बहुत बहुत वेलकम मैच के इस नए वीडियो में। सो गाइस आज के ये वीडियो के अंदर में हम लोग बात करने वाले हैं सीको गेम के बारे में। अब ये जो सीको गेम है ये इंडियन डेवलपर्स ने डेवलप किया है और गाइस फाइनली जो उसका बीटा वर्जन होता है या फिर ईयरली एक्सेस होता है उसको आप लोग कैसे ले करके इस गेम को खेल सकते हो या फिर इसको कैसे आप लोग अभी इसके बीटा वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीज़ें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, जो भी आप लोग को प्रोसेस बताऊंगा सारे के सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, जिससे कि आप लोग इस गेम को अभी के अभी इस वीडियो को जैसे ही आप लोग लास्ट तक देखोगे उसके बाद में जाकर के आप लोग अभी के अभी इस गेम को डाउनलोड करके खेलने वाले हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे आप लोग इसको डाउनलोड करके खेल सकते हो, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आप लोग इधर क्लियर कर दूं, आप सभी इस वीडियो को जैसे ही देख रहे हो देखने के तुरंत बाद इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके लॉग इन वगैरह कर लेना, क्योंकि ये जो ईयरली एक्सेस या फिर बीटा वर्जन वगैरह होते हैं इनके अंदर आप लोग इनको डाउनलोड तो कर लेते हो लेकिन लॉग इन करने में दिक्कत आती है क्योंकि ये काफी कम यूजर्स को दिए जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो तो फटाफट से इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही जाकर के डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बाद में डाउनलोड करोगे तो हो सकता है ये जो मैं प्रोसेस आप लोग को बता रहा हूं वो वर्क ना करे, कहीं पर आप लोग को एरर आ जाए, लॉगिन करने में दिक्कत आए या फिर जो भी चीज है आप लोग उस चीज का ध्यान रखना, जैसी वीडियो को देखो वैसे ही डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले आप लोग क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगी जो कि मैंने व्हाट्सएप पे अपने ही दूसरे नंबर पर सेंड कर रखी है, तो आप लोगों को ये वाली लिंक पर क्लिक करना है। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे आप लोगों से पूछेगा कहां इसको ओपन करना है, तो आप लोग को डायरेक्टली इसको क्रोम ब्राउजर के ऊपर ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग ओपन करोगे आपके सामने पूरा सीको का जो बीटा वर्जन है उसके अगर आप लोगों को टेस्टर बनना है तो इस तरह का एक नोटिस आएगा आपके सामने, आप लोगों को नीचे एक बटन मिलेगा बिकम अ टेस्टर, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग इसके टेस्टर वर्जन के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को इसी के अंदर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग इधर क्लिक करोगे आप लोग गूगल प्ले स्टोर के ऊपर चले जाओगे, उसके बाद आप लोग डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप लोग कुछ नहीं करना, सिंपली इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है, वहां पर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग इधर देख सकते हो इधर लिखा हुआ ईयरली एक्सेस, यानी कि अभी ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ सभी लोगों के लिए, अभी सिर्फ ये इसका एक बीटा या फिर टेस्ट वर्जन कह लो इस तरह का है। इसके अलावा आप लोग इसकी इमेजेस वगैरह देख सकते हो, इसके अंदर TDM वगैरह, मतलब ये आप लोग का जो पहले इंडियन गेम आया था उससे बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम है। अब मैं इधर नाम नहीं लूंगा कि कौन सा इंडियन गेम आया था, आप सभी लोग समझदार हो, आप सभी लोग सारी चीजों को जानते हो। बाकी आप लोग इमेजेस के अंदर देख सकते हो सारी की सारी वेपन्स रहने वाली है, मतलब काफी सारी वेपन्स रहने वाली है। उसके अलावा मैप आप लोग के 4 मैप आने वाले हैं इसके अंदर। और जब तक हमारा गेम डाउनलोड हो रहा है, एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग इसको डाउनलोड करने के लिए कोई VPN नहीं लगाना, कोई US की ईमेल आईडी आप लोगों को नहीं चाहिए, इंडियन प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड हो चुका है, प्ले वाले बटन पर क्लिक करते हैं एंड ये देख सकते हो आप लोग इसका फर्स्ट इंटरफेस। बाकी इंडिक एरिना जो गेम स्टूडियो कंपनी है उन्होंने ही इसको जो है डेवलप किया है। अब जो गेम के जस्ट ओपन होते हैं सबसे पहले आप लोग को देखने के लिए मिलता है नमस्ते, और लिटरली गाइस ये चीज देख करके काफी ज्यादा खुशी होती है। बाकी नीचे की तरफ में सारी चीजें ये लिखी हुई है कि इसका बीटा वर्जन है, इसका ये फाइनल वर्जन नहीं है अभी के लिए। आप लोग इसके अंदर काफी सारे ग्लिचेस वगैरह देखने के लिए मिल सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट करना। उसके अलावा आप लोग इधर जो है लॉग इन कर सकते हो, लॉग इन पेज है, मैं इधर गेस्ट अकाउंट से लॉग इन कर लेता हूं क्योंकि हम लोग काफी जल्दी लॉग इन हो जाएंगे। तो जैसे इधर क्लिक करोगे तो लोडिंग स्क्रीन देख सकते हो, नीचे की तरफ एक बुलेट है जो कि गोल गोल घूम रही है। तो गाइस फाइनली अब आप लोग देख सकते हो हम लोग इधर लॉग इन हो चुके हैं गेस्ट अकाउंट से। आप लोगों को इधर एक अकाउंट मिलेगा गेस्ट 15 करके, तो आप लोगों को सिंपली लॉग इन पर क्लिक करना है एंड फाइनली ये है इसकी मेन लॉबी जहां से आप लोग गेम वगैरह सारी चीजें स्टार्ट होंगी। एंड गाइस आप लोग देख सकते हो लॉबी में आप लोग काफी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग को पबजी मोबाइल के कंपेरिजन में काफी कम फंक्शन है, क्योंकि देखो इसका पहला अपडेट है, अभी काफी सारे और अपडेट आएंगे जिनमें काफी सारी नई नई चीजें इसमें ऐड होंगी। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो नीचे ऑप्शन का ऑप्शन आप लोग को मिल रहा है, जैसे कि सेटिंग्स कह सकते हो आप लोग। जैसे आप लोग उधर क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है, जिसके अंदर ग्राफिक्स आप लोग को मिल जाते हैं। ग्राफिक्स में अगर हम लोग बात करें तो इसके जो ग्राफिक्स रहने वाले बेसिकली, तो उनकी आप लोग इधर प्रॉपर सेटिंग मिल जाएगी, जैसे कि आप लोग टेक्सचर की क्वालिटी, शेडो की क्वालिटी कैसी रखना चाहते हो वो सारी चीज आप लोग इधर से रख सकते हो। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप लोग को ऑडियो की भी सेटिंग मिलती है, इसमें माइक्रोफोन भी आप लोग को मिलता है क्योंकि आप लोग अपने फ्रेंड के साथ में वॉइस चैट भी करने वाले हो। फिर आप लोग कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलता है, कंट्रोल्स को आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो, कुछ इस तरह के कंट्रोल्स आप लोग रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर आप लोग बटन के साइज को भी बड़ा घटा सकते हो, जैसे कि इधर दिया हुआ साइड में आप लोग को नजर भी आ रहा होगा। इसके अलावा अगर हम लोग और चीजों के बारे में बात करें तो आप लोग इधर देख सकते हो आप लोग इसके बाद गेम प्ले का भी ऑप्शन मिलता है, इसमें आप लोग बेसिकली व्यू को एक एंगल को सेट कर सकते हो, कितना एंगल आप लोग को चाहिए। इसके अलावा आप लोग इधर देख सकते हो आप लोग को कस्टम गेम्स का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर अगर आप लोग क्लिक करके इधर से मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते हो ब्राउज गेम में जाकर के, फिर होस्ट गेम भी आप लोग इधर से कर सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग इसको बैक करें तो आप लोग इधर एक रीजन का भी ऑप्शन मिलता है, जहां से आप लोग रीजन सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग कहां से हो। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग बात करें स्टार्ट बटन की, तो आप लोग जैसे ही स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो आपका गेम जो है स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हम लोग इधर क्लिक करते हैं उसके बाद गाइस हम लोगों से पूछता है कि आपको दो टीम, देखो दो टीम के ऑप्शन मिलते हैं आप लोग को, जो सबसे पहली वाली टीम है उसका नाम है गरुड़ा करके और जो दूसरी टीम है उसका नाम है कोबरा करके। बाकी थर्ड वाले ऑप्शन को अगर आप लोग क्लिक करते हो तो ऐसे में आप लोग इन दोनों के मैच को देख सकते हो। तो आप लोग जैसे ही में से एक कोई भी टीम को चूज करते हो उसके बाद आप लोग स्पॉन, टीम चेंज, उसके बाद लेआउट, फिर ऑप्शन
ऑप्शन, फिर एग्जिट मैच का भी ऑप्शन आता है। तो आप लोग जैसे स्पॉन पर क्लिक करोगे तो ऐसे में आप लोग स्पॉन हो जाओगे एक आइलैंड के ऊपर में, जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो। और ये बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं एक टीडीएम मोड है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके कंट्रोल्स वगैरह को बता देता हूं। बाकी आप लोग इधर टेक्सचर वगैरह देख सकते हो, काफी ठीक ठाक टेक्सचर बनाने की इन्होंने कोशिश करी है। बट जैसे अगर आप लोग इस गेम को खेलोगे तो लिटरली आप लोगों को इतना ज्यादा लैग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने भी काफी ज्यादा कोशिश करी गेम प्ले रिकॉर्ड करने से पहले, बहुत मुश्किल से ये वाला गेम प्ले भी मैं रिकॉर्ड कर पाया हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कंट्रोल्स बता देता हूं। ऊपर की तरफ आप लोगों को मैप का ऑप्शन मिलता है, उसके जस्ट नीचे आप लोगों को पीक्स के बटन मिलते हैं जहां से आप लोग पीक वगैरह कर सकते हो। उसके जस्ट नीचे आप लोगों को फायर का बटन मिलता है। नीचे जो 100 प्लस आप लोग देख रहे हो, ये बेसिकली आप लोगों की हेल्थ है। हेल्थ बार जल्दी ही अपडेट कर दें, होप सो। इसके अलावा आप लोगों को बिल्कुल सेंटर में इधर गन का ऑप्शन मिलता है जहां से आप लोग अपनी गन को स्विच कर सकते हो। दो गन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी जो कि लेआउट से शायद आप लोगों को सेट करनी पड़ेगी। इधर आप लोगों को बैकपैक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी साइड में आप लोगों को एक स्कोप का बटन मिलता है जहां से आप लोग स्कोप को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को साइड में एक बटन मिलता है जो कि जंप का बटन है। उसके अलावा एक बटन और आप लोगों को मिलता है जो कि रीलोडिंग वाला है, जिससे कि आप लोग अपनी गन को रीलोड कर सकते हो। बाकी आप लोगों को एक बटन मिलता है फायर के लिए। नीचे में जो आप लोगों को बटन मिलता है वो है क्राउच के लिए। बाकी सामने में एक बंदा आ गया, लिटरली मैंने इतनी मेहनत करी इस बंदे को मारने की, इतनी ज्यादा कोशिश करी। बट मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाले गेम का जितने भी लोग बीटा टेस्टर खेल रहे हैं वो सारे के सारे यही वाले मोड के अंदर जा रहे हैं सीधे। तो ये सारे के सारे रियल प्लेयर्स हैं, ये भी आप लोग काफी जल्दी जल्दी किल कर रहे हैं। बट इधर मैं काफी कोशिश कर रहा था कि मैं इस बंदे को मार पाऊं, बट मैं इधर इस बंदे को नहीं मार पाया। और ये वाले गेम का भी बीटा टेस्टर आया ही है, तो ऐसे में बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं। आप लोग जैसे इधर बंदे को किसी को भी मारने की कोशिश कर रहे हो या फिर उसके पास में जा रहे हो, तो आपका डिवाइस काफी ज्यादा लैग करने लग जाता है। एंड ना ही वो आपको मार पा रहा है, ना ही आप उसको मार पा रहे हो, बट थोड़ी देर बाद आप ही किल हो जाते हो। तो इस तरह से आप लोग इधर काफी सारे लैग देखने को मिले, क्योंकि अभी बीटा का फर्स्ट फेज है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को फेस अभी करनी पड़ेगी। अब गाइस अगर आप लोग ये वाले गेम को डाउनलोड करने की सोच रहे हो, तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इस गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एफपीपी का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। टीपीपी के अंदर आप लोग इस गेम को नहीं खेल सकते हो। अगर आप लोग डाउनलोड कर रहे हो तो आपको ऐसे में एफपीपी के अंदर ही खेलना पड़ेगा। बाकी जो डेड बॉडी होती है वो कुछ इस तरह से आप लोगों को पड़ी हुई नजर आ जाती है। और जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, इधर डेड बॉडी के पास में ग्रोजा पड़ी हुई है। अब ये ग्रोजा भाई कैसे पिक करनी है ये तो मुझे नहीं पता, बट स्टिल इसके अंदर आप लोगों को ग्रोजा भी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आप लोग दूसरा वाला मैप भी देख सकते हो, ये एक वेयर हाउस वाला मैप है। एंड इसके भी टेक्सचर काफी ज्यादा कमाल के, जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हो। बस गेम के अंदर में थोड़ा लैग वगैरह है, वो चीज हमें फेस करनी पड़ रही है, बट इन्होंने जो ग्राफिक्स वगैरह बनाए हैं वो लिटरली काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप लोग कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी यही थी आज की पूरी वीडियो। अगर आप लोग उसको डाउनलोड करना है, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों से शेयर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।